और तो मेरी अर्थी को भी वीडियो बनाना और वो यूट्यूब पर डालना। मैंने बोल रहा है ऐसा तो नहीं हुआ कि सास लड़ने लगी ना मेरी वीडियो बना और गेला बना। आने वाले हैं सास बहू के जोड़े थे जो यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर बढ़िया डाल छा रहे हैं और इनकी बढ़िया चर्चा हुआ है और आपने इनको तो शायद ना भी देखा हो लेकिन इनको जरूर देखा होगा आपने। इनकी तो चेहरा भी ऐसा है कि याद रखने वाला। राम राम जी सबने। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। सब ने राम राम जी। कैसे हो भाई जी? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं बीमार चल रही थी कई दिन से, मैं ब्लॉग भी नहीं डाला था। मैंने ब्लॉग में बोल दिया था बेटा बेटियों बहन भाइयों छोटे बड़े मैं बीमार हूँ, मेरी बहू भी बीमार है, हम आज ब्लॉग नहीं डाल पा रहे, दो दिन नहीं डाला तो कल डाल दिया, आज डाल दिया। हमने सारे साथ दे रहे हैं, हमारा सास बहू का ऐसा जोड़ा है कि हम साथ ही बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा, मतलब कुछ बातें ऐसी होती है कि सास बहू का हमें तो मतलब जहाँ तक हमने देखा है कि रोला रबदा रहे है सास बहू के, हमने ऐसा नोक जोक सी रह जा। आपके भी ऐसी रहती है? हाँ होती है। क्या होती है? ये चाय नहीं लिया होगी आए कोट पर हो गया, चाय क्यों ना लिया थी? मैं तो तड़ फ्री चाह बना, मम्मी धर रहा खीर, मगर फिर धर रहा खीर तो भी खिचड़ी से के चाह बनेगी, गीत बिरबल की खिचड़ी बनेगी। अरे भैया ऐसी बात नहीं है, हम वीडियो बनाते बनाते भी लड़ने लग जाते हैं। ये मम्मी कहेगी ये आएगा, मैंने कहा नहीं मम्मी ये आएगा, तो ऐसा नहीं है। तो ब्लॉक में भी लड़ पड़ते हैं। ब्लॉक में कैसे लड़ते हैं? जैसे भी यह चीज यो न्यू नहीं होगा, मैं इवल होगा, न्यू कहेगी नहीं मम्मी तो नहीं बेरा मन ना बेरा, मैं कहा जाता तू ये बना ले। अच्छा अभी मैं आपसे स्टार्टिंग की बात करता हूँ, तो आपने स्टार्ट कैसे किया ये मतलब व्लॉगिंग वगैरह ये वीडियो वगैरह बनानी? हमने पहले गीत डाले थे भैया। सबसे पहले तो क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया, कोई काम ही नहीं रहा, कोरोना क्या था, तो फिर मम्मी ये सोचती भैया हमारा टाइम पास कैसे होगा, तो फिर मम्मी ने शौक था भाई इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा, मैंने शौक था। हाँ तो हमने क्या करा, पहले समय हमने टिकटॉक पर वीडियो डाली सास बहू की, बहू तू अपने घर चली जा, वो नहीं है मम्मी, हाँ तू अपने घर ने चली जा, मैं बेटे ने फिर ब्याह लूंगी, फिर बेटे ने ब्याह लूंगी। तो हमने सबसे पहले यह वीडियो डाली, चली जा मैं फिर बेटे ने ब्याह लूंगी, इतना जुलम कर सासू मैं लूखा सूखा खा लूंगी। मैंने तो इब नु लग है कि इब मन मन लड़ लग जाओ भैया, हमारी प्यार हमारी लड़ाई में भी प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल वो तो दिखाई दे रहा है। हाँ अर्थ ये है भाई, छोटी मोटी नोक जोक सब की हो जाती है, पर ये वही उसी बात सास होती है ना, ये हमारी माँ से भी अच्छी है, क्यों हम अपनी माँ को तो घर पे छोड़ आई लेकिन आगे हमने ये माँ मिल रही है है ना, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हम उसी बात पे आते हैं, स्टार्टिंग कैसे हुई टिकटॉक वगैरह जो आप बता रहे थे वही से दोबारा स्टार्ट कीजिए। फिर भैया टिकटॉक बंद हो गया, फिर ये सोचा मम्मी का दिल नहीं लगेगा भाई, मम्मी तो ऐसी होगी जैसे बीमार होगी। फिर मेरे बेटे ने बताई हक माँ इंस्टाग्राम है और इंस्टाग्राम पे लाइव भी आओगी, अब सारे काम होगी। अच्छा फिर बेटे ने इंस्टाग्राम डाउनलोड मार के मम्मी को हम लाइव लाए, मम्मी का थोड़ा जैसे बच्चों से मिलने ने बहुत दिल कर रहा था भाई, बेटा बेटी बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे, बहुत प्यार दे रहे थे। तो मतलब स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो बनाने कैमरे के सामने आवा तो हेजिटेशन हुआ है? हाँ थोड़ा थोड़ा होता है। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? कुछ हुआ ऐसा, जब पहले तो हम बोले खूब भूगड़े से बूंदे हैं और जब कैमरा आता है ना जब वो मजीब थोड़ी अटकटाती है, फिर एक दो दिन हुई मारी, फिर मारी ना हुई, हमने तो कितने कैमरे का बुलवा ले उड़े बोल देंगे भाई। तो आप कैसे आए इस लाइन में? या फिर बहू? फिर भैया मैं जैसे हम वीडियो बनाते तो मम्मी अकेली भाई इतनी ज्यादा वीडियो नहीं बना सकती, फिर हमने सास बहू का टॉपिक पकड़ना शुरू कर दिया, फिर मैं मम्मी के साथ रहने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सास लड़ने लगी ना मेरी वीडियो बना और गेला बना? सही पकड़े। ऐसा ही होगा क्यों लग रहा है भाई? ऐसा हो गया, फिर ये सोचती है अकेली मम्मी कैसे बनाएगी, मैं भी सोचती मेरी बहू भी साथ आ जाए। बोला आप अपनी, मैंने सोचा अपनी सासू माँ का साथ दूँ मैं, कल मैं कहीं चली जाऊं मर जाऊं या कुछ हो जाए, मेरा चलन ऐसे कैसे रहे, मेरी बहू से मार ले। मम्मी बोलती है जरूरी और तो मेरी अर्थी को भी वीडियो बनाना और वो यूट्यूब पर डालना,
मैंने बोल रखा है किसी का भी इंसान चला जाता तो वीडियो कैसे बना पाएगा, लेकिन मम्मी की ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। भगवान ऐसा ना करे भैया हमारी, ऐसा ना करे, अभी 100 सालों ठीक बात है। तो बेटा वो तो टाइम का नहीं पता किसका कितना टाइम से किसका नहीं है, पर हम यही चाहे हैं संसार में सब सुखी रहें, सब भाण बेटी बड़े छोटे सब ना बहुत प्यार दे रहे मेरे से। संसार में जितने भी जहाँ तक भी दुनिया है ना, जड़े तक मेरी पहचान है, उससे आगे तक मेरे को बहुत प्यार दे रहे भाण भाई बेटा। और तो लेकर और तो ये कृष्णा देवी गई, वो ताई गई, ताई कहीं देखा है भाई, यो प्यार मैंने बहुत प्यार भैया खून बढ़ जाता। मम्मी के साथ फिर पहचान मेरी भी बड़ी है। हाँ। अब ये तो कृष्णा देवी की बहू है। हाँ। ये तो पहले कौन जाने करता। तो मतलब जैसे जो ब्लॉगर होते हैं उनको कंटेंट सोचना पड़ता है कि आज कंटेंट क्या बनाए, क्या बनाए हुए, उस पर बनावा क्या पर बना। तो आप कैसे कंटेंट लेके आते हो? हम पहले तो लड़न लग जाते हैं। वैसे ही लड़न लग जाओ मतलब नहीं, हम क्या सोचते हैं आज मैं कहूँगी इस के बनाऊंगे, रुक जा मम्मी बना लेंगे, फिर मैं कहूँगी आए के बनाऊंगे आज, रुक जा मम्मी सोचें, फिर मैं बड़बड़ाती चली जाऊंगी, मैं बड़बड़ा कर चली जाएंगी, फिर मैं लोटी लोटी सोचूंगी आज किस टॉपिक पर बननी चाहिए, आज कैसे बननी चाहिए। फिर मम्मी ज्यादा टेंशन मत ले, नहीं अपने आप बन जाएगा जो भी कुछ बनेगा, पर मम्मी टेंशन ज्यादा ले जाती है। ऐसा हो गया जैसा सानी भेज दिया ना ग्रह की गवार में लाकर, ऐसे हो गया हम तो जब बन जाए हमारे तक। तो माँ जी आपकी कोई वेब सीरीज आई हो कदे या फिर कोई गाना आया हो? नहीं गाने आए मेरे, गाने आए। हाँ मैं गाने में जा रही हूँ, कितने गाने में जा रही हूँ, कम से कम भैया भैया 10-11 गाने माँ, 11 गाने में 12 गाने नाम याद है आपको अभी फिलहाल? कौन से 2-3 तो विक्की विक्राला के साथ ही है, ये विक्की विक्राला रहे ना इनके साथ है, एक से सरपंची गाना, सरपंची गाना, क्योंकि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वे भी जाके सर्च करें और आपकी एक्टिंग। हाँ सरपंची गाना, सरपंची गाने में हूँ, एक वो सैम डागर के साथ, सैम डागर के साथ, और राजू पंजाबी के साथ, और गोरीना गोरी के साथ, तो जैसे गोरीना गोरी है ना, और एक वो जो वो लड़की है उसका क्या नाम है, वो जो उसका है भव्या, भव्या वो जिसका यो नाजुक वाला है गाना पजेब का, तेरी लिया दू पजेब जड़ी वो। तो मम्मी कई मजा अच्छा, एक कौन सा था वो लठ बजवाओगी छोरिया के लठ बजवाओगी। तो मतलब आप तो इनके साथ में थे, आपने स्टार्टिंग भी करी वीडियो की, तो जो आपके हस्बैंड हैं तो उन्होंने आपको ये बोला कि माँ किस धंधे में बांट दी? नहीं किमें नहीं दे रहा है ना, मतलब इस तरह ही कुछ नहीं बेटा, मेरा बेटा नहीं कहता भाई, ये कहते हैं अपनी इज्जत से रहो चाहे कुछ भी करो। मेरे बेटे ये कही है भाई घर से बाहर जाओ सिर पे ढक्का जाओ, घर पर आके अपने ढक्का आओ भाई, घर से बाहर इज्जत रख दो, बाकी चाहे तुम खुली जाओ सासू बहू अपनी बनाओ वीडियो, कहीं पार्टी में जाओ बर्थडे में जाओ कहीं नाचो कहीं बजाओ, इज्जत से जाओ इज्जत से आओ। मेरे बेटे ने इज्जत प्यारी है, बाकी और कुछ नहीं, अपनी थारी इच्छा है वो अपनी करो तुम पूरी, मेरा बेटा मेरी इच्छा के लिए मेरा बेटा साथ दे रहा है। तो आपके कितने बच्चे हो? मेरे एक बेटा है, एक ही ओनली, एक ही बेटा है, पोता है पोती है, दो बेटे एक बेटा एक बेटी दो बच्चे, ये पोती है और पोता घर पे है, 10वीं की पढ़ाई कर रहा है, पोती 10वीं में है, पोता 11वीं में होगा। तो हमने देखा आप इंस्टाग्राम पे भी डेली लाइव आते रहो, आते हैं ठीक है, तो कुछ लाइव ऐसी हैं जैसे कोई बंदा फेमस नहीं होता ना, हाँ। या तो वो गाली देने लग जाता, हाँ, हाँ, यही बात ठीक है, या फिर वो गंदी हरकतें करने लग जाता है, अगर औरत है तो गंदी हरकतें करने लग जाती कुछ है भी करते हो। तो आपको नहीं लगता कि ये इंस्टाग्राम 80+ होना चाहिए? इंस्टाग्राम पर हम ज्यादा नहीं लाइव पाते, इंस्टाग्राम पर हम लाइव ज्यादा आते नहीं, आप आ रहे हो तेरे साथ आगे जानने वाले नीचा सहरा होता है विकराला है, ये 3-4 छोरी है जैसे रानी है इनके साथ आ जाते हैं, जो जानने वाले हैं उनके साथ आते हैं, हम फालतू नहीं आते, और इज्जत के साथ थोड़ी देर बैठे 10 मिनट 15 मिनट
बस फिर अपने अच्छा कमेंट में गाली गुली भी देखी हमने मैं तो पढ़ रही ना उनने के जवाब देना या ना आती उनका ये है जी मम्मी को तो पढ़ना नहीं आता इंस्टाग्राम पे आता है जो कमेंट खराब लगा है उनको डिलीट मार दे इंस्टाग्राम पे आती है कहां है वीडियो पे कमेंट आते हैं अच्छा, तो उनको ब्लॉक ही मार देते हैं हम नहीं रखते भैया बिल्कुल भी हम क्या करे जिसका गलत कमेंट चाहे यूट्यूब पे आ जाओ चाहे वीडियो उसको उस बंदे को हम सीधा ब्लॉक डाल देते हैं भाई तू कभी दिखे ही मना चलो बहुत बढ़िया बात मतलब ऐसा है कि हमें ऑडियंस सिर्फ साफ सुथरी चाहिए ये नहीं के अड़ंग बड़ंग कुछ भी चाहिए आने दो कुछ नहीं हमने नहीं चाहिए अठी हमारे भगवान की दया है सारे अच्छे बंदे हैं जो भी बहन है भाई है हमारे भी काका ताऊ है सारे अच्छे हैं हमारे लिए मेरा परिवार इतना अच्छा है इतना भारी परिवार है मेरा बहुत भारी परिवार है और परिवार इतना अच्छा है सबसे बता दूं पहले तेन कहती थी वीडियो में हम नहीं आएंगे ये सारे राजी हैं सारे खुश हैं दुरानी जेठानी जेठ जेठानी मतलब पूरा परिवार मारा अच्छा माँ जी जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो काफी बंदे ऐसे मिलते होंगे माँ जी आप तो देखे हो लग रहे हो एक फोटो चाहिए है तो उस टाइम पे क्या फील आती है मेरे को भाई बहुत खुशी मिलती है जब मैं रोज तक बहुत प्यार मिल रहा है रोज तक आओगे ये देवे सास बहु का है ये भी यहाँ भी दो तीन देख रहे थे ये वे सास बहु है जहाँ भी जाते हैं ये सास बहू है ये कृष्णा देवी की बहू है हाँ। फिर यह कहेगी हाँ मेरे को बहुत गर्व होगा सच्ची ये नहीं पता था मेरे को जो नाम होगा मैंने आपको जब टिकटॉक था उस टाइम पे शायद मैंने आपको देखा था उस टाइम पे एक बार आप काफी वायरल हुए थे कोई डायलॉग वगैरह आपका कोई वायरल हुआ वो एक बार वही डायलॉग एक बार बोल कर वो गाली है गाड़ी है किसी मतलब घनी गंदी गाड़ी है ना गंदी को ना जैसे हमारे जाटों में तो भाई तकरीबन कई देव हैं अब पर किसी ने बुरा लगा ऐसे तो किसी ने बुरा भी लगता पर मेरी गाड़ी फेमस होगी वह जितना भी हरियाणा दिल्ली सूबा वो मेरी ये पड़ी पाई जड़ा देखा हुए न्यू कहते इसने बंद कर फिर बता दूंगी फिर अगर अच्छी लगे तो कर लियो इसमें कोई बात नहीं आप बोल दो अगर कुछ गलत लगेगा तो कट कर देंगे वीडियो भाई बालक खेल रहे थे तो हमारे घर के आगे ब्याह शादी की पार्किंग सी बन रही है क्या बोलते हैं उसको वाटिका तो वो बन रही उसमें बच्चे आते हैं बाहर भीतर के छोटे बड़े किराएदार के गांव के वे आके वहाँ ईट डड़े कोक्रम मचाते हैं मेरे उठ गया छो तो भाई मैं बोली डट जाओ छोरी छो को तुमने मैं बनाऊंगी आज लंबे और कुत्ते उठा कर ईटर मन ऊपर थे मारी फेंक कर डट जाओ मैं आज तुमने पाड़ूंगी बीच में था डट जाओ छोरी छो दो बेटी छो दो बस यह गाड़ी बक्की ये गाली मेरी इसी फेमस होगी इसी फेमस होगी ओट बालक ने देखा तो वो मारी बना रहा है बड़े ने देखा तो मतलब बोलियो है मेरे से प्यार दिया एक अपनी लठ मार भाषा होगी कती लठ मार सीधी गाल मतलब इसी लागे छो प्यार ते बात कर रहे हैं तो भाई एक बात और कहूंगी ये दुनिया देखेगी हमारी वीडियो ना जी जी बिल्कुल भाण भाई बेटा बेटी छोटे बड़े सब देखेंगे जी जी। सबको हाथ जोड़ के गुरु जितना मेरे को प्यार दे रहे उतने इस लड़के को भी प्यार देना और मेरे को भी देना और कोई गलती हो तो माफ करना हमारे को सास बहू को और ऐसे साथ